हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद मशीर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सैड बट ब्यूटीफुल पोएम रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट कंपोज की गई है पीबी शैली के द्वारा, जो बहुत ही नोटेड इंग्लिश पोएट हैं। तो चलिए, पोएम से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं, पीबी शैली के बारे में। पीबी शैली का जो जन्म हुआ है वो 1792 में इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रही है, बहुत मुसीबतों और परेशानियों में रही है। इन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट सफरिंग्स में, दुखों में गुजारा है, इसलिए इनकी पोयम में सैड और सफरिंग्स साफ दिखाई देती हैं। ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से रहे हैं। रोमांटिसिज्म मींस काल्पनिकता या कल्पना की दुनिया में जीने वाले जो पोएट्स हैं उनको हम रोमांटिक पोएट्स में काउंट करते हैं। इनकी जो इमेजिनेशन पावर है बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो उनकी पोएट्री में दिखाई देती है। और हिज स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, उसकी जो रिवोल्ट यानी कि एक विद्रोही स्वभाव है पोएट का, उसकी वजह से उनकी पोयम में बगावत नज़र आती है इस लाइफ से, इस दुनिया से और इस पूरे सिस्टम से। खुद वो बहुत ज़्यादा बागी तेवरों के रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उन पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन रहा, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से ही उन दुनिया में जितने भी, उनके समाज में जितने भी लोग असमानता या क्रूरता या जो जुल्म है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, इसका नतीजा ये रहा कि उन्हें समाज का जो एक कंजर्वेटिव सेक्शन है, सोसाइटी का वर्क है, उसका विरोध झेलना पड़ा। उनकी दुश्मनी उन्हें मोल लेनी पड़ी, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, और इस वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो हमेशा सोसाइटी में होने वाले सामाजिक और जो पॉलिटिकल या राजनीतिक जो असमानता थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे, इसलिए उनका बहिष्कार हुआ। और इस परेशानी को लेकर वो इंग्लैंड छोड़कर इटली में जाकर बस गए। लेकिन यहाँ पर भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। एंग्जाइटीज़ की वजह से, परेशानियों की वजह से, दुख और तकलीफ़ों की वजह से लगातार उनकी सेहत गिरती चली गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1822 में उनकी डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया। एक बहुत सैड लाइफ, एक बहुत छोटी सी उम्र में, 30 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने डेथ उनको मिली, उनका देहांत हो गया। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत पोएम्स का जो ज़खीरा था, जो कलेक्शन था, वो हमारे लिए छोड़ के गए, और जिनमें ये पोएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के बारे में हम जान लें कि ये पोएम एक उनकी जो लाइफ में जो सैड सफरिंग्स थी, जो फीलिंग्स थी, सैड इमोशंस थे, उनको एक्सप्रेस करता है और लाइफ के बारे में बताता है कि जिस वक्त वो अपनी लाइफ के लगभग एंड पे चल रहे थे, शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जल्दी वो ख़त्म होने वाले हैं, जो इस पोयम में साफ दिखाई देता है कि उन्हें लगता है कि उनके जीवन का जो प्राइम था, जो यौवन था, वो खत्म हो चुका है और अब उनका एंड जल्दी ही आने वाला है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसकी लाइन टू लाइन पोयम को और देखते हैं पोएट ने अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया है। तो पहली लाइन में ही उन्होंने एड्रेस किया है इस दुनिया को, इस लाइफ को और इस टाइम को। तो तीनों को एड्रेस करते हुए पोएट कह रहा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, तीनों को एड्रेस किया है उसने। किस किस को? पूरी दुनिया को, लाइफ को और टाइम को। वो कह रहा है कि ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनके आखिरी कदमों पर, सीढ़ी के जो कदम होते हैं उनके कदमों पर मैं खड़ा हुआ हूँ, चल रहा हूँ, यानी कि अपनी लाइफ के लास्ट स्टेजेस पर वो मौजूद है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, पहले जहाँ वो इन परेशानियों से संघर्ष करता था, इनसे बहुत ज़्यादा मुकाबला करता था, आज उन परेशानियों के बीच वो कांप रहा है। यानी कि आज में और पहले वक्त में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, क्योंकि
यही परेशानियां, यही दुख और तकलीफें जो पहले होती थी तो वो उनका बहुत सक्षमता से सामना कर लेते था, लेकिन अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि अब इन परेशानियों के बीच वो कांप रहा है। और आगे क्या कहता है, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और याद करता है अपने प्राइम, जो यूथ था, जो जवानी थी उसकी, जो जब वो अपनी जवानी की एक्सट्रीम हाइट पर था, उन दिनों को याद करते हुए पोएट कहता है कि शायद वो दिन अब कभी नहीं आएंगे, नो मोर, ओह नेवर मोर, कभी नहीं, शायद कभी भी वो वक्त लौट कर आने वाला नहीं है। तो कवि ने इस स्टैंजा में पूरी तरह से अपने डिप्रेशन, अपने पास्ट को याद किया है, और डिप्रेस्ड है वो इस चीज को लेकर कि आज वो हालात नहीं है जो उसकी जवानी के वक्त में हुआ करता था। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, दिन और रात की जो खुशियां थी, जो जॉय थी, वो अपनी फ्लाइट ले चुके हैं, यानी कि उड़ चुके हैं, जा चुके हैं। उसके दिन और रात नीरस हो चुके हैं, आनंद से रहित हैं बिल्कुल, कोई उसमें खुशी नहीं है, कोई जॉय नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, की क्या चीजें हैं, सब मौसम के चेंज होने की चीजें हैं, और जब मौसम बदलते हैं तो लोगों को रिफ्रेशनेस मिलती है, वो फ्रेश हो जाते हैं, और एक खुशी का माहौल होता है इन तीनों वक्तों में मौसम के चेंज होने का। जब सर्दियां जाती हैं, गर्मी आती हैं, तो एकदम रिफ्रेश महसूस करता है इंसान, जब गर्मियां जाती हैं और बरसात लगती है तो इंसान को बड़ी खुशी महसूस होती है, और जब सर्दियां आती हैं तो भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों का कवि की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं है। कोई खुशी उसे मौसम के बदलने से, कुदरत के इन चेंजेस से, उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो और ज़्यादा दुखों से, तकलीफों से, सफरिंग से घिरता चला जा रहा है। क्या कह रहा है वो, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये कुछ भी चीजें उसके ग्रीफ से भरे हुए दिल को राहत नहीं दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, बट विद डिलाइट, कोई सब चीजें हैं उसके अंदर सिवाय रोशनी के, सिवाय खुशी के, सिवाय किसी डिलाइट के, उसके अंदर बाकी सब चीजों का घर कर गया है, घर किए हुए हैं चीजें, कौन कौन सी, दुख, तकलीफ, सफरिंग्स, और सारे जहान जहान की जो भी परेशानियां हैं वो सब उसके दिल में बसी हुई हैं, इसलिए उन्हें कोई भी मौसम इफेक्ट नहीं करता, कोई भी मौसम खुशी नहीं देता। नो मोर, ओह नेवर मोर, क्योंकि अब उसके जो अंत है, जो उसका टाइम है, वो करीब आ रहा है उसका खत्म होने का, इसलिए वो अपने प्राइम को खो चुका है, और उसका शरीर पूरी तरह से बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, इसलिए दुनिया की कोई भी खुशियां उसको खुश नहीं कर पाती हैं। तो ये बात रही पोयम की। पोएट ने अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को इस पोयम में पूरी तरह से एक्सप्रेस किया है, जाहिर किया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, और जैसे हम पहले हमने सेंट्रल आइडिया किया हुआ है, मैंने आपको बताया, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं आपको, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी तरह से याद करना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन दो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, और अगर आपने इसका सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से याद किया तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो मैं सेंट्रल आइडिया आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इस सेंट्रल आइडिया को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने सेंट्रल आइडिया नोट किया होगा, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए, इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा हमें दिया होगा, उस स्टेंजा की फर्स्ट टू लेटर्स हम उतारते हैं, और उसके बाद डॉट डॉट लिखकर लास्ट के टू लेटर्स उतारेंगे। जैसे हमने फर्स्ट स्टेंजा किया, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, डैश 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 डैश, ओह नेवर मोर, ये चार लाइन का स्टेंजा है जिसका हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, जैसे हम पहले लिखते चले आए हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम अ लेमेंट कंपोज बाय पीबी शेली। उसके बाद हम लिखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि द पोएट इज टेलिंग या एक्सप्रेसिंग हिज सैडनेस एंड रिमेम्बरिंग द टाइम ऑफ हिज यूथ, ऑफ हिज प्राइम। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसिज सैड फीलिंग्स एंड
एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस। उसके बाद जो सेंट्रल आइडिया हमने किया है, उस सेंट्रल आइडिया का एक मेजर पोर्शन हम इसमें इसकी लाइंस के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, जिससे हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस एक्सप्लेनेशन को पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए आपको पोएम को एक या दो बार पढ़ना होगा लाइन टू लाइन, उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया याद करेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना आपको आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो शेयर करें इसको अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में और दूसरे स्टूडेंट्स में। हिट करें लाइक का बटन, और इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगली वीडियो के तक के लिए आपसे मैं लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड बाय।